के 70 फ्लोर्स हैं पाकिस्तान की टॉप वन भी नहीं एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है बीट कर सकी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद उमर, आप देख रहे हैं जबरदस्त चैनल नोबी रिएक्शन। फाइनली यार काफ़ी देर बाद एक अच्छा एक कंपैरिजन आया और ये कंपैरिजन है इंडिया और पाकिस्तान का। ये क्या है भाई, ठीक है, डोर आ गई है, गुड्डी गुड्डी आ गई है। अच्छा, तो इस तरह का ना चीज़ें होती रहती हैं जब छत पे आते हैं। तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान वर्सेज इंडिया द टॉलेस्ट बिल्डिंग कंपैरिजन। तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ वीडियो के ऑनेस्ट रिएक्शन यही है कि इंडिया इसमें लीड कर जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा बड़ा ट्रेंड नहीं है। और मेरा थोड़ा गैस ये भी है कि जो इंडिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी वो मुंबई में होगी। तो अगर पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी होगी ना तो वो होगी कराची या फिर इस्लामाबाद में, मोस्टली कराची में ही होगी। तो अगर ये पाकिस्तान जीत जाता ना तो मेरे लिए हैरत अंगेज बात होगी। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएं, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, तो साथ बेल आइकन होगा वो भी भाई प्रेस कर दो, क्या हो गया। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के, 3, 2, 1 हियर वी गो। डिस्क्लेमर आ गया, रिएक्शन चैनल। हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में आप सभी का वेलकम है। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तान और इंडिया टॉप 5 हैं टॉप 5 टॉलेस्ट बिल्डिंग्स को। तो इस वीडियो के सभी फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें मिस्टर कामरान चैनल मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ वाले बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हैराने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले। नंबर 1, इंडिया में जो नंबर 1 पे टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है वर्ल्ड 1 मुंबई। ये क्या बिल्डिंग मुंबई सिटी में है। इस बिल्डिंग की हाइट 442 मीटर और 1450 फीट है। इस बिल्डिंग के 117 फ्लोर्स हैं और ये बिल्डिंग रेजिडेंशियल टाइप बिल्डिंग है। पाकिस्तान में जो नंबर 1 पे टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है बहरिया आइकन टावर। ये बिल्डिंग कराची सिटी में है। इस बिल्डिंग की हाइट 273 मीटर्स और 896 ज़्यादा डिफरेंस है भाई। बिल्डिंग में 62 फ्लोर्स है। ये बिल्डिंग रेजिडेंशियल, होटल और ऑफिस टाइप की बिल्डिंग है। सीधा सीधा बोला था भाई। नंबर 2, इंडिया में नंबर 2 पे जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है 360 वेस्ट टावर बी। ये बिल्डिंग मुंबई सिटी में है। 361 बिल्डिंग की हाइट 371.2 मीटर और 1,150 फीट है। लेकिन लुक अच्छी है। इंडिया में नंबर 3 पे जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है एम्पीरियल 3। ये बिल्डिंग मुंबई सिटी में है। इस बिल्डिंग की हाइट 355 मीटर्स और 1,165 फीट है। इस बिल्डिंग के 70 फ्लोर्स हैं। पाकिस्तान की टॉप 1 भी नहीं एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है बीट कर सकी। टॉप 3 वाली को भी पाकिस्तान में जो नंबर 3 पे टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है चैपल स्काई मार्ट। ये बिल्डिंग कराची सिटी में है। इस बिल्डिंग की हाइट 210 मीटर्स और 689 फीट है। इस बिल्डिंग के 50 फ्लोर्स हैं और ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। नंबर 4, इंडिया में नंबर 4 पे जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है पैलेस रॉयल मुंबई। ये बिल्डिंग मुंबई सिटी में है। इस बिल्डिंग की हाइट 320 मीटर्स और 1050 फीट है। इस बिल्डिंग में 88 फ्लोर्स हैं और ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। पाकिस्तान में जो नंबर 4 पे टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है द सेंटोरस होटल। ये बिल्डिंग इस्लामाबाद में है और इस बिल्डिंग की हाइट 200 मीटर्स और 656 फीट है। इस बिल्डिंग के 38 फ्लोर्स हैं और ये एक होटल टाइप बिल्डिंग है। नंबर 5,
इंडिया में नंबर 5 पे जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है नमस्ते टावर। ओके, काफी ये बिल्डिंग मुंबई सिटी में है और ये बिल्डिंग अभी ऑन होल्ड है। ओके, इस बिल्डिंग की हाइट 310 मीटर्स और 1017 फीट है। इस बिल्डिंग के 63 फ्लोर्स हैं और ये एक होटल और रिटेल टाइप बिल्डिंग है। पाकिस्तान में जो नंबर 5 पे टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है ओपेल 225। ये बिल्डिंग कराची सिटी में है और इस बिल्डिंग की हाइट 164.3 मीटर्स और 539 फीट है। इस बिल्डिंग के 41 फ्लोर्स हैं और ये एक रेजिडेंशियल टाइप बिल्डिंग है। तो यही था आज का इन दोनों कंट्रीज़ की टॉलेस्ट बिल्डिंग्स का कंपैरिजन। तो वीडियो के रिव्यू की बात कर लेते हैं। मैंने आपको पहले ही थोड़ा हिंट करा दिया था कि ये इंडिया जीतने लगा और मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान इस तरीके से मतलब कंपैरिजन ये बिल्कुल बनता भी नहीं था, क्योंकि जो इंडिया की टॉप 5 है ना वो मतलब पाकिस्तान की एक भी टॉप जो टॉप 1 है ना वो इंडिया के टॉप 5 के नेरे शेरे भी नहीं लगती, क्योंकि इंडिया की जो 300 मीटर से नीचे कोई बिल्डिंग गई नहीं और पाकिस्तान की जो पहली है वो 272 आई थिंक मेरे ख्याल से 270 के क्लोज उसका फिगर था। तो यार मैंने आपको एक मुहतात अंदाज़ा भी दे दिया था, मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि ये मुंबई में होगी, ठीक है। तो वाकई जो उनकी इंडिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग थी वो मुंबई से थी और पाकिस्तान का मुझे ये था कि कराची से होगी या इस्लामाबाद में, क्योंकि यहाँ मैंने देखा है काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और कराची में खासतौर पर अगर जो बिल्डिंग का रुझान है। लेकिन सरप्राइजिंग बात ये थी कि लाहौर की एक बिल्डिंग भी नहीं टॉप 5 में आई, ये मतलब समझ नहीं आई थी लाहौर कितना बड़ा है, मतलब वेल डिवेलप है, लेकिन जो मतलब टॉलेस्ट बिल्डिंग के लिहाज से है ना, 2 इस्लामाबाद की हैं, 3 कराची की हैं। इस्लामाबाद ने भी ठीक ठाक कंपटीशन दिया है, पाकिस्तान को ही कंपटीशन दिया है, इंडिया के तो बिल्कुल नहीं है। तो लेकिन जो एंड पे आके ना डिफरेंस वो ना पाकिस्तान का इतना मेंटेन मतलब ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहे थे, लेकिन इंडिया का काफ़ी डाउन हुआ है, क्योंकि उनकी पहली देखी थी 440 के करीब थी, लेकिन जब वो आते आते 310 के करीब आ चुकी थी फ्लो उसके 310 मीटर पे, ठीक है। तो लेकिन पाकिस्तान का इतना ज़्यादा नहीं, 70 डिक्रीज़ हुआ है, इंडिया का 140 डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन इंडिया फिर भी वही लीड में है। और तो अगर इन 5 बिल्डिंग में से पूछा जाए कि मुझे कौन सी पसंद आई, या मुझे नंबर 5 पे जो नमस्ते टावर था ना वो काफ़ी पसंद आया, और उसकी मतलब जो हाइट थी ना टोटल 310 है और मुंबई में है और उसकी फ्लोर थे 63, लेकिन ऑन होल्ड उन्होंने बोला था कि ये ऑन होल्ड है। ऑन होल्ड का मतलब क्या, मतलब ये प्रोजेक्ट रुक गया हुआ है, तो क्या सीन है, या बना हुआ है लेकिन उसको मतलब क्लोज कर दिया हुआ है किसी मतलब कंट्रोवर्शियल लैंड, इस तरह कोई चक्कर होते हैं काफ़ी ज़्यादा, इतनी जब बड़ी चीज़ें बनती हैं ना तो केसेस भी खुद ब खुद बन ही जाती हैं। और इस टाइम मैं जो पिक्चर देख रहा हूँ ना, मतलब कमाल का व्यू आता है अगर आप ऊपर टॉप पे, और इस तरह की ऊपर से उन्होंने जिस तरह की गुलाई निकाली हुई है ना, तो मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा व्यू है। और ग्रीनरी भी काफ़ी पास, मतलब ठीक ठाक अच्छी ग्रीनरी है, और मतलब ये काफ़ी अच्छी जो लोकेशन पे है और मतलब एक अच्छा लुक दे रही है, काफ़ी अच्छी है। तो अगर पाकिस्तान की बात करें, जो मुझे पाकिस्तान में सबसे अच्छी बिल्डिंग लगी है ना वो नंबर 2 वाली है, वो है ग्रैंड हयात होटल, इस्लामाबाद में है, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो 217 मीटर है और इसके जो फ्लोर्स हैं 45 हैं, इतने बड़ी फ्लोर नहीं है, लेकिन बिल्डिंग की लुक है, क्योंकि 2 सिमिलर टावर हैं और बीच में 2 एक मतलब जॉइनिंग के लिए उन्होंने एक कंपार्टमेंट बनाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी अच्छी लुक है। और सबसे बड़ी बात भाई, इस्लामाबाद में अपना जाने जिगर अपना दिल गुर्दा इस्लामाबाद में है और काफ़ी अच्छी है, और इस्लामाबाद की रोड्स देख सकते हो यार कितनी खूबसूरत हैं, मतलब मज़ा आ जाता है इस्लामाबाद की। और इस तरह का जैसे अभी मौसम हुआ हुआ है ना, इसे अगर आप इस्लामाबाद में इस मौसम में फिरो ना तो आपको चस्सा आ जाती है और चार सोने पे सुहागा हो जाता है, 4 चांद लगवाने लगा था। तो यार आपने भी वीडियो देखी, आप भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सी पाकिस्तान की वाली साइड में से कौन सी अच्छी लगी, इंडियन साइड में से कौन सी अच्छी लगी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप बिल्डिंग के रिलेटेड कोई वीडियोज़ देखना चाहते हो या मुझे कोई सजेस्ट करना चाहते हो तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसका लिंक भी दे देना कि इस बिल्डिंग पर रिएक्ट करो या इंडिया में कोई अच्छी बिल्डिंग्स हैं
जो देखने के लायक हैं, तो आप उस वीडियो का लिंक दे देना या फिर उस जगह एटलीस्ट उस जगह का नाम ही बता देना कमेंट सेक्शन में, तो वो भी बहुत होगा। तो इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो पे रिएक्शन दे देंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।